नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM सीधी भर्ती 2018 तो जो TSP एरिया का रिजल्ट है वो यहां पे रिलीज कर दिया गया है। अब दोस्तों, इस रिजल्ट में बहुत सारे सवाल आप लोगों के, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले मैंने उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इसमें कुछ एक सवाल आई हैं और एक यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हुई है और शायद वो टेक्निकली जो त्रुटि है, तकनीकी खामी के कारण वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आगे वो भी बता देता हूँ कि किस कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर चेंज हुई है। तो दोस्तों, टोटल 637 पद थे और इनको ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये रोस्टर के आधार पर पद मिले हैं महिलाओं को, जो विधवा परित्यक्ता हैं उनको, और टोटल फॉर्म भरे गए थे 1150 से, ठीक है, उसमें से 774 का यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है। 774 जिनमें थे 739 का ऑनलाइन फॉर्म थे, 157 अभ्यर्थियों के ऑफलाइन फॉर्म थे, 14 परिवेदनाएँ यहाँ पर आई थी इन पर और उनको यहाँ पर निस्तारण किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, बोनस अंकों का लाभ यहाँ पर दिया गया, बोनस अंक 30 दिए गए हैं 3 साल के एक्सपीरियंस पर, ठीक है। और PPP मोड पर जो महिला अभ्यर्थी कार्यरत थी उनका परिणाम यहाँ पर सुरक्षित रखा गया, यानी कि यहाँ पर अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया PPP मोड वाले अभ्यर्थियाँ जिन्होंने बोनस की मांग की थी उनके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस भर्ती में जो या प्रकरण थे जिनका कोर्ट का मैटर था उनका भी यहाँ पे परिणाम यहाँ पे जारी नहीं किया गया। देखिए स्पष्ट लिखा है, इस भर्ती बाबत मान्य न्यायालय विचाराधीन प्रकरण से संबंधित याचिकाओं में से याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो मान्य न्यायालय के निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए गए हैं, यानी कोर्ट ऑर्डर से सम्मिलित हुए हैं और जिनका अभी तक चल रहा है मैटर, उनको यहाँ पर अभी उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, ठीक है, कोर्ट मैटर वालों का, ठीक है। और 10वीं के आधार पर ये परसेंटेज मतलब मेरिट लिस्ट बनाई गई 10वीं प्लस ANM प्लस आपका जो बोनस है उनके आधार पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 21/10 यानी कि जो अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी थी जो जिनकी शादी TSP में हुई है, 21 अक्टूबर को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन, ठीक है, 21/10 को, कि उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, कि उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक 2-3 कमेंट ऐसे मिले हैं, उन अभ्यर्थियों ने बताया है कि हमारी जो भी उनके परिवारजन थे उनका यही मैटर था, अन्य स्टेट की अभ्यर्थी थी और उनकी शादी हुई है TSP एरिया में, तो उनका भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया, वो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। तो संभवत है दोस्तों ये रिजल्ट भी रोक लिया हो चिकित्सा विभाग ने, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक, कोई भी ऐसी महिला नहीं थी TSP में जिन्होंने स्पोर्ट्स का डिप्लोमा प्रमाण पत्र लगाया हो या फिर एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरा हो, ठीक है। एक और यहाँ पर दोस्तों, जो PH कैंडिडेट हैं विकलांग अभ्यर्थियाँ, सिर्फ उनको ही लिया गया विकलांग अभ्यर्थियों में जो 1 लैग यानी कि एक पैर से या दोनों पैरों से जो विकलांग थे उनको ही यहाँ पर लिया गया, ओनली 1 लैग को लिया गया है, सिर्फ 2 लैग वालों को नहीं, 1 लैग जिनकी PH है उनको ही यहाँ पर लिया गया, उनको नहीं लिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये 3 फोरम ऐसे थे, 3 ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका परिणाम रोका गया, ID संख्या मिलान कर लें आप लोग। एक ऐसी महिला अभ्यर्थी है रेखा यादव, वो दस्तावेजों के पुनः सत्यापन कराने के अध्याधीन चयनित किया गया, इनका दस्तावेज दोबारा से जांचा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभागीय निर्णय के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशों वे अन्य कारणों से जो पद सुरक्षित रखे गए हैं उनके अतिरिक्त 24 और पद 12 सामान्य प्लस 12 TSP ST अंतिम वरीयता सूची में पद सुरक्षित यहां पर रखे गए हैं। TSP ST श्रेणी में 3 योग्य अभ्यर्थी यानी कि SC की तो 3 महिला अभ्यर्थी मिली ही नहीं है, यानी 3 कम हैं, ठीक है। और ये जो लिस्ट है 448 पदों के लिए है और इसका कट ऑफ देख लें। अब जो कट ऑफ चेंज होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो ये जो यहाँ पर आपको SC का कट ऑफ आ रहा है इसको तो आप समझें ST का, और जो ST वाला कट ऑफ है इसको समझें आप SC का, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस लिस्ट पर ग्रीवेंस भी आप लगा सकते हैं, यानी आपत्तियाँ लगाने के लिए आपको इस वेबसाइट का अध्ययन करना होगा। आपत्ति लगाने के लिए 29/10/2019 तक आप यहां पर आपत्तियां लगा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ था, अब यहाँ पर एससी एसटी के कट ऑफ में चेंज हुआ है, शायद मिस्टेक की गई हो गई होगी विभाग से। तो देखिए एसटी की ये जो लिस्ट चल रही है फिलहाल, हम एसटी का आपको दिखा देते हैं कि एसटी का कहाँ पर क्या गया है, ठीक है। तो एसटी का कट ऑफ आप लोग देख लें, एसटी का कट ऑफ देखिए यहाँ पर, ये देखिए एसटी एसटी एसटी, ठीक है। एसटी की जो अंतिम महिला अभ्यर्थी है उसका कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा इसको, और उसके बाद एससी की महिला अभ्यर्थियों का है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों एसटी का, यहाँ पर देखिए एसटी का आप ये जर्नल देखिए, जो 38.395 ये गई है एसटी की कट ऑफ गई है 38.395, ठीक है। एसटी का कट ऑफ ये गया है, ठीक है। और एससी का कट ऑफ क्या गया है वो यहाँ पर आप देख लें, एससी का कट ऑफ गया 34.872, ठीक है, ये गया है एससी का, और 38 जो कुछ है वो गया है एसटी का, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो सकता है विभाग इस पर एक नोटिस निकाल करके इसको शुद्धिकरण भी कर दे, लेकिन जहाँ तक मैंने लिस्ट को चेक किया है तो मुझे यही नज़र आया कि इस कट ऑफ में अंतर है, ठीक है। कट ऑफ ये जो एसटी का, इसको आप एसटी समझें और इसको आप एससी समझें, ठीक है। तो एससी का गया है 34.872 और एसटी का गया है 38.395, ठीक है। दोस्तों ये था आप लोगों के लिए अपडेट, आप भी इस लिस्ट को चेक कर सकती हैं, मैंने जो कट ऑफ एससी एसटी का चेंज बताया है वो यही मिलेगा। क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कुछ एक सवाल थे उनको मैंने सम्मिलित किया है और ये बताना ज़रूरी था कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जो लिस्ट हैं बाकी, चाहे TSP GNM हो चाहे नॉन TSP GNM ANM हो, दोस्तों समस्त रिजल्ट आपके बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए 5 से 10 दिन के अंदर सारे के सारे रिजल्ट संभवतया 99% आ जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 दिन के अंदर इनमें रिजल्ट आप लोगों के आ जाएंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, निराश ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का, जय हिंद जय भारत।